भाग गए, बात करने लग गए हम भी। वो धोखा हमको दे रहा था, हमको नहीं पता था लेकिन वो धोखा हमको दे रहा था। आप आगे क्या चाहती हो? आपको वो घर से भगा दिया, घर से आप चली आई, आप आगे क्या चाहती हो? आप कहीं ना कहीं तो आपकी भी तो गलती है। सजा सिर्फ उसी को क्यों मिले? प्यार तो सिर्फ उसने नहीं किया था, आपने भी की थी। सजा हमको मिला, हम सच्चा प्यार किए, वो झूठ किया। हमको सजा मिला ना, बच्चा से दूर करवा दिया, मेरा माँ बाप से दूर करवा दिया। कोई उधर से करता था, करते रहता था, मतलब बात करते थे, कुछ बहाना करते रहते थे, तभी भी करता था, हाथ काट कर ये काट कर भेजता था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब कुछ करता था। उसे करते करते हम उससे प्यार किए, वो भी बोला कि करते हैं, हाथ काटता था, बहुत कुछ किया था, करता था, ये विश्वास दिलाने के लिए बहुत कुछ किया, उससे प्यार करती, बहुत विश्वास दिलाने के लिए। तो फिर आपको उससे प्यार हो गया? हाँ, करने लगे। फिर 20-25 दिन पहले थाना में आया था। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप फेसबुक पर उससे बात करने लगे, उस बात को आप मना भी करती थी, इस घटना को आप अपने पेरेंट्स के बीच में या आप अपने पति के बीच में क्यों नहीं रखी कि कोई लड़का है जो मेरे साथ ऐसा हरकत कर रहा है? इस घटना को आप क्यों नहीं रखी, इस मैटर को आप क्यों नहीं किसी अपने पति को, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? हम डर गए थे माँ को बता सकते थे ना, माँ को ऐसा कुछ, माँ से तो कुछ डर नहीं था। कभी कभी कॉल करता तो क्या होगा, बातें बात में बात बढ़ गया, हम उससे हम भाग गए, बात करने लग गए हम भी। वो धोखा हमको दे रहा था, हमको नहीं पता था लेकिन वो धोखा हमको दे रहा था। तो आगे आप जब शादी कब की, आप उससे शादी कब की? 25 दिन पहले। 25 कहाँ पर शादी की आप? मंदिर में किया था। मंदिर में किया था। मंदिर में जब शादी के दौरान कौन कौन शामिल था आपके साथ? कोई नहीं था, थाना से लिखित करके लेकर गया था। थाना में आप गई थी लिखित कराने से? हाँ, सब था, सब लोग थे। तो एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं मैम आप बताइएगा, कहा जाता है कि बिना पहले शादी सुनाई थी, बिना डिवोर्स दिए हुए दूसरा शादी नहीं कर सकता, बिना डिवोर्स दिए हुए थाना ये लिखी दे दिया, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें सारा कसूर थाना का है, क्योंकि ये महिला तो लगातार हो रही है, यानी इसे भी नहीं पता है कि तलाक होता है तब दूसरी शादी होती है, तो इसका तो सारा, ये सारी चीजें अनपढ़ता में छिप रही है। लेकिन जो हमारे थाना प्रभारी थे वो तो पढ़ लिख कर कई, मतलब ट्रेनिंग के बाद वो थाना प्रभारी बने होंगे, उनका दिमाग कहाँ चला गया था कि बिना तलाक का आप दूसरे पति को इसको सौंप रहे हैं? आपको पता था कि इसका फर्स्ट पति से तलाक देखिये, मांग में सिंदूर पड़ गया था, पूजा के नजर में तो दूसरा पति ही है, क्योंकि सिंदूर ले लिया और थाना के रूप से तो पति ही बन गया, क्योंकि सिंदूर लेकर आई। अगर थाना तो वो लीगल तो कहीं पर वो पति नहीं बना ना, जब तक डिवोर्स नहीं, कानून में तो यही है कि जब तक डिवोर्स नहीं होगा दूसरा शादी नहीं। अभी महिला विकास मंच लीगल पर तो बात कर ही नहीं रही है, क्योंकि लीगल जो भी प्रोसेस होगा वो आज हम लोग देख लेते हैं, अभी तो शाम होने जा रही है, हम लोग अगर आज ले जाते हैं थाना तो ठीक है, तो कल तो हम लोग को निश्चित है कि प्रोग्राम बना हुआ है कि थाना ले जाना है, अब कल से कानूनी कार्रवाई। अब उसमें देखा जाएगा कि ये जो सेकंड पति है उस पर कितने धाराएं लगते हैं, किस तरह से इस मामला को ले जाया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो पति बनकर ही पूजा को थाना से लेकर गया था, और यहाँ पर थाना प्रभारी को चाहिए था कि सेकंड वो जो था उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, और निरंजन प्रसाद नाम है, निरंजन प्रसाद को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। फर्स्ट पति गुस्सा में था, क्योंकि पत्नी ऐसा कदम उठाई है तो निश्चित सी बात है कि कोई भी पति हो वो निश्चित है कि उनका नाराज होना, उनका गुस्सा करना तो नेचुरल बात है, कोई भी करेगा, चाहे दुनिया के कितनों महान पुरुष क्यों ना हो, अगर आपकी वाइफ ऐसा कर्म करती है तो कोई भी पति नाराज होगा, तो उनका नाराजगी, उनको न रखने वाला प्रक्रिया, ये सब स्वाभाविक था जो उस समय जो परिस्थितियां थी, तो उनको छोड़ देना था, लेकिन लड़की को माता पिता के पास भेज देना चाहिए था। हो सकता था फर्स्ट पति को फिर लगता कि हमारी पत्नी कहीं ना कहीं बहक गई, लेकिन चलो इसका सेकंड आदमी को सजा मिल गया, सजा मिल गया, माता पिता भी इसको समझाते, कई तरीका से बात करते, हो सकता है फर्स्ट पति का फिर इमोशन जगता और लेकर अपने बच्चे के लिए आ भी सकते थे। आप शादी की मंदिर में जाकर उसके बाद क्या हुआ? लड़के के घर पे गए, जो सेकंड जिसको पति आप बोल रही है उसके घर पे गई आप? हाँ, घर पर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से चले क्यों आई? उसका बाद बोला कि तुम चले जाओ पहला पति के पास, हम बोले पहला के पति के पास नहीं जाएंगे, नहीं रखना था तो थाना में बोल देता, हम नहीं आते आपके साथ, जब नहीं जाएंगे सबको इज्जत सबको बर्बाद कर दिए, बच्चा छोड़ दिया आपके लिए, हम नहीं जाएंगे, तो बोला कि तब भी नहीं जाओगी तो मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको सिखा कर भेजा गया था कि पहला पति के पास।
से माफी मांगना, ये करना वो करना, बोला कि साहब सुनाइए थे हम दोनों अलग अलग थे तो रखेगा, अब वैसे किए तो बोला नहीं रखेंगे। तो हम दूसरा पति को बोले कि हमको रखिए, आप वो नहीं रखना चाह रहे, हम इसके पास जाना भी नहीं चाह रहे, हम आपके साथ रहना चाह रहे हैं। तो बोला कि यही छोड़ के महिला विकास मंच में उनको छोड़ के चल गया। अच्छा तो ये की बताइए, ये उसके माँ बाप का क्या प्रतिक्रिया था, उसके जो सेकंड पति जिसको आप बोल रही हैं, वो तो हम नहीं मानते क्योंकि वो सेकंड पति है, लेकिन अगर आप बोल रही हो कि सेकंड पति है तो उसके माँ बाप का क्या रिएक्शन था जब उसके यहाँ आप देखो, वो क्या आपको बोलते थे? लेकर गया थाना से, उसका माँ लिखित भी किया था, लेकर गया अच्छा से कपड़ा लत्ता सब कुछ दिया करने के लिए, लेकिन उसका बेटा है जो निरंजन पासवान हुआ, वो लड़की को इस्तेमाल करने का उसका आदत बन चुका है, हर लड़की को औरत को फंसाता है जान में, यही करता है, जेवर लेता है, पैसा लेता है, उसे अजमाता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है। थोड़ी देर पहले हम आप ही के मुंह से सुने थे, आप ही की जुबान से सुने थे कि वो हम अपने घर से गाना लेकर गए थे, और क्या क्या लेकर गए थे और कौन मांगा था, ये सब कुछ बात कर रही थी आप। सेकंड पति जो हुआ बोला कि पहला पति के पास जो भी कुछ है, सोना चांदी का मंगलसूत्र था, ढोलना था, ये सब था, पायल था, सब लेकर हम गए थे उसके पास गए, उसके फैमिली को मतलब सब ले लिया, माँ था सब मिले हुए रहता है, सब ले लिया। उसके बाद होता है पहला पति के पास चले जाओ, एक दो महीना रहना उसके साथ, फिर हम तुमको भगा के लेकर जाएंगे, जो बोला। अब आगे क्या चाहती हो आप, तो वो घर से भगा दिया, घर से आप चली आई, अब आगे क्या चाहती हो आप? उसके लिए हम जिंदगी सब बच्चे से दूर करवा दिया, सबसे दूर करवा दिया, झांसा में अपना ला के सबसे दूर करवा दिया, उसके साथ हम रहेंगे, नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं तो आपकी भी तो गलती है, साजा सिर्फ उसी को क्यों मिले, प्यार तो सिर्फ उसने नहीं किया था, आपने भी की थी, साजा आपको मिला ना, हम सच्चा प्यार किए, वो झूठ किया, हमको साजा मिला ना, बच्चा से दूर करवा दिया, मेरा माँ बाप से दूर करवा दिया, मेरा पति से दूर करवा दिया, सब दुनिया में अथी करा दिया, जलील करा दिया, उसके बाद रख कर 20 दिन हमको छोड़ देता है। तो सजा सिर्फ उसको सजा मिलेगा, अगर वो उसको सजा नहीं, चलिए मान लीजिए उसको सजा मिल भी गया, उसको सजा मिल गया तो आगे क्या करेंगे आप? अकेले जिंदगी नहीं जीता है, अकेले जिंदगी जिएंगे तो मरेंगे तो मरेंगे। आप क्या कहेंगे मैम, इस तरह की जो कदम इसके साथ घटना होती है, आप क्या कहेंगे शादीशुदा, खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए? शादीशुदा महिलाओं के लिए तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि रिक्वेस्ट कर रही है महिला विकास मंच हाथ जोड़ के कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए कि पति अगर बाहर जाता है या कहीं भी जाता है तो इस गैपिंग में आप प्यार कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक शादीशुदा चाहे पति हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, शादीशुदा होने के बावजूद किसी से अटैच होता क्या उसको आप प्यार कहेंगी? एक बच्चे की माँ होता था, एक बच्चे की बाप है, वो साथ प्यार कर उसे आप प्यार कहेंगी? प्यार तो हम कहेंगे कि अभी प्यार रहा ही नहीं, अभी प्यार जो 15-20 कहीं ना कहीं इसे वासना कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, इसे प्यार कैसे कर सकते हैं? प्यार है ही जब नहीं, जब बच्चे की माँ है, बच्चे के पिता कोई होता है, वो भी इस तरह का हरकत करता है तो ये तो वासना हुआ ना, ये वासना या इसे आप अट्रैक्शन कर सकते हैं, प्यार तो इसे कह नहीं सकती है आप, प्यार कह नहीं सकते क्योंकि प्यार खत्म हो गया। तो वो महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो महिला शादीशुदा है, घर में रहती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, दूसरे से चैट करती है, और उसे महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपको, क्या मैसेज देंगी? देखिए वो महिलाओं के लिए तो ये बात हम कहेंगे ही कि अपना फेसबुक जो भी हो, इंस्टाग्राम जिससे भी हो, प्यार मोहब्बत जो करती हूँ शादीशुदा हो के बाल बच्चे रह के पति से छुपा के वो मत करो, पूजा का देख कर सीख लो कि जो भी अगर गलती कर रही हूँ अब ना करें, कि पूजा जितनी बेइज्जती हुई है, पूजा का घर परिवार बेटा बेटी सब कुछ इसका छीन लिया गया, इज्जत चला गया, मान सम्मान, अब बशर्ते वो गार्जियन को भी हम ये बोलेंगे जिसके बच्चे बाहर में पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, कम से कम एक बार महीना में आप अपने बच्चे का मोबाइल चेक करें, दूसरी बार अपने बच्चे जहाँ रहते हैं उसके पास आइए, आकर अगल बगल से पूछिए कि क्या बच्चे आपके बच्चे से कोई मिलने आ रहा है जूनियर, क्योंकि जब तक आप थोड़ा स्टिक नहीं होइएगा, गार्जियन स्टिक नहीं होगा, कहीं ना कहीं गार्जियन का भी ढीला होता है तो बच्चा बहक के गलत कदम उठा, ये अनमैरिज बच्चे के लिए जो शादीशुदा का तो खैर गलत है ही, लेकिन अनमैरिज शादीशुदा तो गलत ही कर ही देता है, लेकिन जो अनमैरिज बच्चे हैं वो उनको बचाने के लिए ये हम गार्जियन को बोलेंगे कि प्लीज एक बार मंथली में आप अपने बच्चे के मोबाइल चेक कीजिए, फेसबुक जो भी हो कि हाँ वो कहाँ बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं, जो भी हो कॉल रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और एक बार बाहर में जो बच्चे पढ़ते हैं मिलिए, अगल बगल से मालूम कीजिए कि आपके बच्चे से कॉल मिलने आ रहा नहीं, आपके बच्चे सेफ्टी रहेंगे और आपकी इज्जत भी बचे रहेंगे। पूजा एक आखिरी सवाल तुमसे है, तुम एक बच्चे की माँ हो और उस बच्चे के लिए अभी क्या
वो बच्चा अभी तो तुम्हारे पास है नहीं, तो उसके बच्चे के लिए तुम्हारी ममता जाता है या नहीं? क्या मन ऐसा कर रहा, बच्चे को क्या चाह रही हो, बच्चे किसके साथ रहेगा? नहीं चाहते कि बच्चे को, जो पापा है बहुत अच्छा है, संस्कार भी अच्छा देगा। जब वो इतने, जब तुम खुद बोल रहे हो कि इतने अच्छे हैं, तो फिर तुमसे ये मिस्टेक, ये गलती कैसे हुई? उसके बहकावे में हम आ गए थे, इसलिए हमसे गलती हो गई है। हम चाहते हैं कि बच्चे को, उसका पापा है बहुत अच्छा है, बच्चे को अच्छा से रखेगा, अच्छा संस्कार देगा। पूजा के लिए महिला विकास मंच क्या करेगी? अगर वो एक्सेप्ट लड़का नहीं करता है, उसे तो सजा होगा या कुछ भी, जो आगे की प्रक्रिया है, महिला विकास मंच पूजा के लिए क्या करेगी? देखिए, महिला विकास मंच अभी तक आप लगातार देख रहे हैं कि एक सप्ताह से वो मेरे पास रह रही है, हम खुद रखे हुए हैं महिला, मैं वहाँ बख्तियारपुर के अध्यक्ष हैं हम, ठीक। तो ये केस हमारी ही थी, तो इसको हमारे यहाँ सौंपा गया, तो अभी तक ये अच्छा से रह रही है। अभी फिलहाल वो नहीं रखता है, उसको तो सजा होगा, लेकिन अगर ये चाहेगी कि नहीं हम महिला विकास मंच में कुछ काम करें, जैसे सिलाई बुनाई, हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी ऐसे मतलब जो भी टूटी हुई औरतें हैं उनको सहारा दिया जाता है, अगर चाहेगी तो ये रह सकती है, कर सकती है, कमा खा सकती है। लेकिन इसके गार्जियन जो है, मम्मी पापा भाई, वो हमारे पास आके रिक्वेस्ट किए हैं कि मैडम हम अपनी बेटी को रखना चाहते हैं।